नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बीते मंगलवार को बीजेपी और जदयू ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर होटल चाणक्य में अपने अपने सीटों के को लेकर के जो बंटवारा हुआ था उस पर प्रेस में घोषणा कर दिया। और तमाम सारे जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के साथ चिराग पासवान है या नहीं, तो कल ये पूरी तरह से खत्म हो गया कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए से आउट हो गए। साथ ही उन पर यह भी कहा गया उनको लेकर के कि वो प्रधानमंत्री का सिंबल, प्रधानमंत्री का चेहरा को इस्तेमाल नहीं कर सकता है बिहार चुनाव में। तमाम बातें कल हुई, तमाम चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया, तमाम चीज़ों के बारे में हमारे संपादक ने भी आपको बताया। और क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, बिहार की राजनीतिक समीकरण क्या है, अब क्या रहेगा, क्योंकि एनडीए में टूट हो गया है। एनडीए में टूट होना मतलब एलजेपी एनडीए से बाहर हो गई है। कल 121 सीटों को लेकर के जो उम्मीदवार, अभी तक तो कुछ ही उम्मीदवारों का लिस्ट जारी हुआ है बीजेपी की तरफ से, 121 सीटें हैं जहां से उम्मीदवार को खड़ा करेंगे बीजेपी और वहां से उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। तो हमने आपको तमाम जगहों का नाम बता दिया और एक कुछ ऐसे जगह है जहां की वहां से एक भी सीट से बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। मैं वो सीट का आज नाम बताऊंगा जी। 5 जिले हैं जहां की एक सीट पर भी बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। कौन कौन से जिले हैं मैं आपको तफसील से बताता हूं। इनमें से शिवहर, शेखपुरा, मधेपुरा, खगड़िया और जहानाबाद शामिल है। ये 5 सीटें हैं जहां से एक सीट पर भी बीजेपी चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। तो एक अहम फैक्टर है कि क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में बीजेपी अब बहुत सक्रिय हो गई है, और एक तरह से कहा जाए तो 121 सीटों पर जो कल चुनाव कराने का घोषणा किया गया था होटल चाणक्य से, तो तमाम उस पर कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कुछ होने वाला है। हमने सवाल पूछा था मुख्यमंत्री से, हमने पूछा था प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के संजय जायसवाल से कि क्या कुछ किसको नुकसान होने वाला है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये तो राजनीति की बातें हैं, होती रहती है। लेकिन ये जो मैंने आपको 5 जगहों का नाम बताया, 5 जिलों का नाम बताया, उनमें एक भी सीटों पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं मैं अगर बात करूँ 121 सीटों की, तो जिसमें से चंपारण जो इलाका है, चंपारण का जो क्षेत्र है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जो है, उसमें सबसे ज़्यादा सीटें मिली है बीजेपी को, और पटना में 10 विधानसभा सीट मिला है बीजेपी को, जहाँ से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी आते हैं, जहाँ उनकी पकड़ भी है। वहीं तमाम जगहों पर जो 121 सीटें नाम की घोषणा की गई है, तमाम सीटों पर अपने चुनाव के उतारेंगे, अपने कैंडिडेट को उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो मैं बता दूं कि इस बार की जो समीकरण है, एनडीए से चिराग पासवान आउट हो गए। कल होटल चाणक्य में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था उसमें कहा गया कि अगर रामविलास पासवान जी अभी होते, ठीक होते, तो अभी ऐसा माहौल नहीं होता, वो हमारे साथ होते हैं। लेकिन क्या नाराज़गी है, क्या कुछ चल रहा है, उनमें आपको बता दिया हमने कि चिराग पासवान क्यों अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं, क्यों बार बार नीतीश से बैर ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। इसको किस तरह से समझा जाए, तो हमने आपको बताया, एक बार मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नीतीश तेरी बैर नहीं, बीजेपी तेरी खैर नहीं, मतलब कि वो एनडीए में के गठबंधन में सेंट्रल में रहेंगे, लेकिन बिहार के एनडीए गठबंधन में नहीं रहेंगे। ये रास्ता बिल्कुल क्लियर एंड कट हो गया कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में हम नहीं रहेंगे, यानी कि नीतीश कुमार के शासनकाल, कार्यकाल में वो नहीं रहेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था बीजेपी और जदयू का, और उधर चिराग पासवान जो कि एलजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 7 निश्चय योजना को, जो उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, वो एक भ्रष्टाचार का पुलिंदा है, उसको हम जांच करवाएंगे और अपराधियों को जेल में डालेंगे, यानी कि कहा जाए तो नीतीश कुमार को जेल में डालेंगे। इस तरह के जो बयानबाजी हैं वो शुरू से करते आ रहे हैं। लेकिन इस पर मैं आपको एक बात बता दूं, हालांकि इस पर कोई टिप्पणी, टीका टिप्पणी नहीं करते हैं नीतीश कुमार, ना ही बीजेपी। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि बीजेपी भी बचाव के मोड में है, कुछ कह नहीं रही है। चिराग पासवान को लेकर के बार बार जो नीतीश कुमार पर हमला हो रहा है,
सात निश्चय को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के जो बार बार चिराग पासवान हमला कर रहे हैं, लेकिन इसका बचाव नहीं कर रही है बीजेपी। और कल एक और बात सामने आया कि बीजेपी ने ये बोला कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा इस्तेमाल नहीं करेगी, जो भी पार्टी एनडीए में है वही इस्तेमाल करेगी, जो पार्टी एनडीए में नहीं है। साफ तौर पर इसे कहलवाया गया था नीतीश कुमार के तरफ से कि जो बार बार चिराग पासवान मोदी का चेहरा आगे रख के कहते कि हमने इतना काम किया, केंद्र में हमारी सरकार है, तो बिहार में वो इस बार ऐसा कुछ नहीं करने जा रही, नहीं कर सकती है, जो कि कल इस पे मुहर लग गया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जो संजय जायसवाल हैं, भूपेंद्र यादव बीजेपी प्रभारी, जो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो एनडीए में बिहार में गठबंधन है वही मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा इस्तेमाल कर सकती है। तो ये रहा पांच जगहों का नाम जहां से बीजेपी एक भी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। मैंने आपको सीट का नाम बता दिया है, लिस्ट आपको मैंने भी बता दिया है, 121 सीटों का नाम मैंने आपको बता दिया है, और भी जहां जहां से तमाम उम्मीदवार अभी जो फर्स्ट फेज के लिए उतारा गया है मैंने आपको अगली वीडियो में भी बता दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो जा करके देख लें। और इसी के साथ मैं अलविदा कहूँगा, धन्यवाद कहूँगा आपको, और अगर आप हमारे वीडियो को अच्छा लगता है, हमारे वीडियो को आप पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे खबर के बारे में पता चले, क्योंकि हम जो पत्रकारिता करते हैं सच्ची और बाखबर सबको करते हैं, और ताल ठोक के पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि हम सच का साथ देते हैं, झूठ का नहीं। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहूँगा। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।